तो वेलकम बैक। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर बी। तो हमने मैं पहले भी ये क्वेश्चन इसमें से इस रिव्यू एक्सरसाइज में से करवा चुका हूँ, तो ये हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि है इसका पार्ट नंबर बी। तो स्टेटमेंट फिर से रीड कर लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन्स। इन सब फिगर्स में हमने जो रीजन शेड किया गया है उसका एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जैसे बी वाला आपके पास पार्ट है, आपको इसमें ये लाइट ब्लू पार्ट नज़र आ रहा होगा जो कि कलर्ड हुआ हुआ है। हमने जस्ट इस लाइट ब्लू पार्ट का जो है ना एरिया फाइंड करके दिखाना है, ये इसका शेडेड रीजन कहलाएगा। और इसमें लिखा हुआ है एक एक्सटेंड इन्फॉर्मेशन बी के लिए दी हुई है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो ओ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे फिगर के अंदर, ये इसका सेंटर है सर्कल का, क्योंकि ये पूरी शेप एक सर्कल है ओवरऑल, तो इसका सेंटर ओ है। वो अलग बात है कि इसके अंदर जो है वो दो शेप्स अलग से बनी हुई हैं, लेकिन पूरी शेप जो है ऊपर से अगर देखा जाए तो एक सर्कल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल मौजूद है जिसको अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो आपके पास ये वाली शेप है और हमने इस शेप का शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वो शेप यहाँ पे बना ली है, वो फिगर आपके सामने है। तो पहले इस फिगर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसमें कुछ चीज़ें खुद से भी ऐड कर दी हैं आसानी के लिए। तो आइए पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बहुत विजिबल है कि ये एक सर्कल है, ये एक शेप, एक पूरी सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर दो शेप्स आपको नज़र आ रही हैं। एक है ये ट्राइंगल, ये जो ऊपर है, और एक इसके बॉटम पे जो कि है एक रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल तो बहुत क्लियर है, ये ट्राइंगल है। मैं इसको रेक्टेंगल क्यों कह रहा हूँ ये आपको पता ही है, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो फोर बॉक्सेस बने हुए हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि इन सब पे एंगल्स 90 डिग्री है, और ऐसी शेप जिसमें ये सारे कहते हैं फेसिस में इस तरीके से एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है, वो स्क्वेयर हो सकती है या रेक्टेंगल हो सकती है। तो स्क्वेयर और रेक्टेंगल के अंदर फ़र्क आपको पता ही है, स्क्वेयर की सारी साइड सेम होती हैं और रेक्टेंगल में दो का पेयर होता है जो कि एक जैसी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये अगर ये 11 सेंटीमीटर है तो ये भी 11 है, और ये पूरी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 दी हुई है, इसका मतलब ये भी 16 है और ये भी 16 है। तो इसका मतलब ये स्क्वेयर तो नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। तो एक सर्कल है हमारे पास और उसके अंदर दो शेप्स बनी हुई हैं, एक है ट्राइंगल और एक है रेक्टेंगल। हमें उनकी डायमेंशन भी दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर ये साइड बताई हुई है ये 11 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बताई हुई है 16। तो ये ऑब्वियस बात है, अगर ये 16 है तो ये वाली लेंथ भी 16 है, ये वाली लेंथ भी 16 है। तो इसके अलावा ट्राइंगल में बिल्कुल सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जो मैंने रेड डॉट लाइन से ड्रॉ किया है, और उसकी लेंथ भी मैं बताई हुई है 13.6 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये जो ओ था ये इस पूरे सर्कल का सेंटर है, इस पूरे सर्कल का जो मिड बनता है, सेंटर बनता है, वो है ओ, उसको ओ से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट लिखा है ये मैंने खुद से ऐड किया है बस आसानी के लिए, ताकि मैं जब समझा रहा हूँ चीज़ें तो मुझे भी आसानी रहे और आप लोग भी इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो ये ओ है और ये एक पूरी पॉइंट है जो कि सर्कल की बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है। इसी तरीके से ये भी एक पॉइंट है पी वन जो बिल्कुल सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है। ये मैंने खुद से यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि समझाने में आसानी हो। तो ये मैंने देखिए लिखा हुआ है रेडियस, क्योंकि अब आप लोग जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का फासला जो उसकी बाउंड्री पे लाए करा उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये वाली लेंथ जो है बेसिकली ये ट्रायंगल की हाइट का रोल भी प्ले करेगी और इस पूरे सर्कल का रेडियस का रोल भी प्ले करेगी। तो आप लोगों ने याद रखना है ये दो रोल प्ले करेगी, एक तो ये इस ट्रायंगल की हाइट है, दूसरी बात ये इस पूरे सर्कल का रेडियस है। इसी तरीके से ये भी सेंटर से लेकर कोई पॉइंट बाउंड्री तक का फासला है तो ये भी रेडियस है, और ये सेंटर से लेकर इस पॉइंट पी तक का फासला है तो ये भी बाउंड्री पे है, तो ये भी एक रेडियस है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और रेडियस जो होता है सर्कल का वो चेंज नहीं होता, वो एक जैसा ही रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गई थोड़ी शेप की बात। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ शेडेड पार्ट। तो मैंने शेडेड पार्ट बिल्कुल लाइट रेड मार्कर से यहाँ पर शेड किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। इन दोनों शेप के अलावा जितना भी एरिया इसके साइड्स पे बॉटम पे बनता है वो सारा एरिया इस सर्कल के अंदर जो है वो हमने फाइंड करके दिखाना है। तो हमें ये ट्राइंगल का एरिया भी नहीं चाहिए पूरे, इस रेक्टेंगल का एरिया भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो शेड ही नहीं हुआ हुआ, तो जो पार्ट शेड हुआ हुआ है जस्ट वो एरिया चाहिए। तो हम इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम सबसे पहले इस सब चीजों का एरिया निकाल लेंगे। सब चीजों का मतलब है इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे सर्कल के अंदर ये दोनों शेप्स बनी हुई हैं। तो जब मैं सर्कल का एरिया निकाल लूंगा तो जाहिर बात है उसमें ट्राइंगल का एरिया भी खुद ब खुद आ जाएगा और रेक्टेंगल का एरिया भी खुद ब खुद आ जाएगा। जब मैं ये दोनों एरिया पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूंगा तो उसके बाद मैं ट्राइंगल का एरिया अलग से निकालूंगा और रेक्टेंगल का एरिया
अलग से निकालूंगा और इन दोनों एरियाज को ऐड करके टोटल एरिया में से यानी एरिया ऑफ अ सर्कल में से माइनस कर दूंगा। तो जाहिर बात है जब मैं इन दोनों के एरियाज को माइनस कर दूंगा तो जो एरिया बचेगा वो ये साइड वाले पार्ट्स का ही एरिया बचेगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करने लगा हूँ एरिया ऑफ अ सर्कल, इस पूरे सर्कल का एरिया जिसमें ट्राइंगल का एरिया भी शामिल हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल और रेक्टेंगल इस सर्कल के अंदर बने हुए हैं, इनसाइड है। तो इसलिए मैं सबसे पहले एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अब आप लोगों को आ ही गया होगा, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू वैसे ही रहने देता हूँ मैं, अभी यहाँ पे पुट नहीं कर रहा। और आर का मतलब होता है रेडियस। तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट जो कि उस सर्कल की बाउंड्री पे पड़ा हुआ है उस तक का फासला। तो यहाँ पे देखें ओ से लेकर पी तक भी रेडियस है लेकिन ये हमें नहीं मालूम, और ओ से लेकर पी वन तक भी रेडियस है और वो 13.6 है। तो हमें पता है रेडियस सेम ही रहता है, चाहे ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, दोनों की बात सेम ही होने वाली है क्योंकि रेडियस सर्कल का चेंज नहीं होता। तो चाहे ओ से लेकर पी तक पता होता वो भी 13.6 ही होना था, और ओ से लेकर पी वन तो मैंने आपको कह ही दिया है 13.6 दिया हुआ है, तो ये भी 13.6 ही है, रेडियस ही है। तो सेंटर से लेकर पॉइंट तक का फासला बाउंड्री पे जो होता है सर्कल के वो रेडियस कहलाता है। तो सर्कल का सेंटर ये है और ये पॉइंट मैंने खुद से नाम किया हुआ है, बाउंड्री के ऊपर है बिल्कुल, तो ये फासला कहलाएगा रेडियस। तो रेडियस कितना है 13.6, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 13.6 और उस पर आ जाएगा स्क्वायर। अब जस्ट मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है और मेरे पास एरिया ऑफ अ सर्कल आ जाएगा, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 581.06, ठीक है। मैंने भी इसको राउंड ऑफ नहीं किया, अभी जस्ट मैं इसको इधर तक लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बुक में कुछ आंसर्स एंड पे सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके दिए होते हैं। तो मैं अभी इस आंसर को यहाँ तक लिख रहा हूँ, ठीक है। 581.06 मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँगा दोबारा से। तो अभी ये मेरे पास एरिया ऑफ अ सर्कल आ चुका है 581.06 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और अगर मैं इसको यहाँ पर राउंड ऑफ करके भी लिख लूँ, लाइक 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ, जो कि अक्सर क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं पीछे राउंड ऑफ करके दिए होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पहले 3 डिजिट चाहिए होंगे यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और अगर थर्ड डिजिट से अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो मैं लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देता हूँ, लेकिन अगला डिजिट बिल्कुल 0 है यानी 5 से कम है, तो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली या 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख सकता हूँ 581 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों ही इसके आंसर्स बनते हैं, बस ये वो आंसर है जो मैंने पाई की वैल्यू कैलकुलेटर में इंस्टॉल्ड है उसको सॉल्व करके निकाला है। और इसी को अगर मैं थोड़ा राउंड ऑफ कर लूँ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले लूँ या सिर्फ होल पार्ट उठा लूँ, इंटीग्रल पार्ट उठा लूँ, तो वो ये भी बन सकता है, दोनों यूज़ हो सकते हैं, दोनों के आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्लोज ही आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल। अब हम निकाल लेते हैं इन दो के भी एरियाज अलग अलग। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं लेंथ क्रॉस ब्रेथ, ठीक है। लेंथ है 16 क्योंकि ये जो सेंटर वाला फासला है ये 16 है, और जितना ये होगा उतनी इसकी ये वाली साइड बनती है, उतनी इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड बनती है, उन्होंने बताई हुई है। ये टोटल जो इसकी लेंथ है वो 16 है और ब्रेथ भी बताई हुई है वो 11 है। तो बहुत आसान है, 16 लेंथ, ब्रेथ 11, तो 16 मल्टीप्लाई बाय आपको करना पड़ेगा 11, तो आपके पास ये आता है 176 और सेंटीमीटर्स में डाटा गिवन था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब रह गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 तो वैसे ही, ठीक है। बेस क्या है, बेस कहते हैं ट्राइंगल में उस लेंथ को जिस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रहा होता है। तो ये है वो परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर जिस पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी क्लियर है, तो ये फॉल कर रहा है इस साइड के ऊपर जो यहाँ पी तक है, यानी ये पूरी साइड जो है ट्राइंगल की ये एक बेस है। तो इस पे जो फॉल कर रहा है वो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 90 डिग्री बना रही है, वो उसका कहलवाती है बेसिकली हाइट, और जिस पे वो फॉल कर रहा है वो उसका उस ट्राइंगल की कहलाती है बेस। तो ट्राइंगल की बेस हुई इस पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर इस पी पॉइंट तक। तो अब इसकी बेस क्या होगी ये हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट तो हमें पता है, हाइट क्या है, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो बेस पर फॉल कर रहा होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यह रेडियस का रोल भी प्ले कर रहा था और ये हाइट का रोल भी प्ले करेगा। तो 13.6 हाइट तो यहाँ पर मेरे पास आ गई। अब बेस क्या बनती है इस ट्राइंगल की,
तो बेस को समझने के लिए आपको ट्राई ये जो शेप है इसको दोबारा ज़रा क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस आपको पता था, ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस था उसको हम कह रहे थे ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। और मैंने कहा था आपको ये पूरे सर्कल का जो रेडियस होता है ये सेम ही रहता है। इसका मतलब ओ से लेकर पी तक भी कितना होगा? 13.6। तो ये कितना हुआ? 13.6। तो मैंने क्यों कहा आपको ये रेडियस वाली बात यहाँ पे? क्योंकि जो ट्राइंगल की बेस है उसके बेसिकली दो इक्वल पार्ट्स हुए हुए हैं, एक है ओ से लेकर पी तक और एक लेट से मैं इसका नाम रख लेता हूँ के, एक है ओ से लेकर के तक और एक है ओ से लेकर पी तक। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो इक्वल पार्ट्स हुए हुए हैं, और वैसे भी आप देखें ये ट्राइंगल एक तरह का आइसोसेलिस ट्राइंगल लग रहा है, तो आइसोसेलिस ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, यानी जितनी लेंथ यहाँ पे होगी उतनी ही लेंथ यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अगर हम इसको आइसोसेलिस ट्राइंगल्स के लिहाज से भी देखें तो भी ये बात करेक्ट है, लेकिन अगर इसके अलावा हम सर्कल की प्रॉपर्टी देखें जो कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देती है कि सेंटर से लेकर पॉइंट तक का फासला रेडियस होता है और वो चेंज नहीं होता कभी भी, वो सेम रहता है। तो अगर मैंने कहा है इस पूरे सर्कल का रेडियस 13.6 है, तो इसका मतलब ये भी तो सेंटर से लेकर पॉइंट तक का फासला है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 13.6। तो ये भी सेंटर से लेके बाउंड्री तक पे जो पॉइंट है उस तक का फासला है, ये भी रेडियस है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 13.6। तो अगर मैं कह रहा हूँ ट्राइंगल की बेस इस पॉइंट के से लेकर पी तक है, तो टोटल लेंथ कितनी बनी? 13.6 प्लस 13.6, तो टोटल बेस हुई 13.6 में ऐड कर दें 13.6। तो अगर आप 13.6 में ऐड कर दें 13.6 तो आपके पास क्या आंसर आता है इसका? तो हमारे पास इसका आंसर आता है 27.2। 13.6 यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर 13.6 यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो K से लेकर P तक जो है वो बेस कहलाती है इस ट्राइंगल की, तो वो हो जाएगी 27.2। 13.6 प्लस 13.6, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27.2। मैं फिर बताता हूँ मैंने कैसे निकाली है। O से लेकर P तक रेडियस था 13.6, O से लेकर K तक भी रेडियस ही बनता है, तो ये भी 13.6 होगा क्योंकि सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो K से लेकर P तक की मेरे पास लेंथ आ जाएगी, तो 13.6 प्लस 13.6 27.2। अब जैसे इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ गया है इन सबको सॉल्व करने के बाद 184.96। मैंने 27.2 को 13.6 से मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आया 2 पे डिवाइड करवा दिया, तो ये आंसर आ गया है। अब ये आंसर भी लॉजिकली करेक्ट है क्योंकि जो वैल्यूज़ मैंने यूज़ की हैं मुझे उनको ही सॉल्व करके ये आंसर मिल रहा है, लेकिन मैं इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट कर रहा हूँ जिस तरह मैंने इधर कन्वर्ट किया हुआ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, क्योंकि बुक में जो आंसर्स हैं वो कोट किए गए हैं वो अक्सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देते हैं, तो उसके बाद मैं अगर ये वाले आंसर कोट कर दूँ तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि कहीं ये आंसर गलत तो नहीं है या कहीं ये आंसर में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि ये आंसर जस्ट राउंड ऑफ करके दिए होते हैं, तो राउंड ऑफ करना हर बार इतना नेसेसरी नहीं होता, बाकी कभी कभार हम यूज़ भी करते हैं जो कि बुक में यूज़ भी हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं इसको भी राउंड ऑफ कर देता हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं 1, 2, 3 यहाँ तक, और इससे अगला डिजिट बनता है 9 जो कि 5 से बड़ा है, इसका मतलब मैं इसको 4 को मैं क्या बना दूंगा? 5, इसमें 1 ऐड कर दूंगा, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, तो ये हो जाएगा 185 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आप ये सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आपको एक बार चैप्टर नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में ये सारा राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिटेल मौजूद है। तो मैंने इस डाटा को सिग्निफिकेंट फिगर तक कर लिया 185, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकल आया, एरिया ऑफ सर्कल सबसे पहले निकाल लिया था 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 581 निकाला था, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लिया है वो है 176। अब टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया है पूरे सर्कल का एरिया जिसमें सबका एरिया शामिल है, तो यानी 581 में से मैं माइनस करवा दूंगा क्या 176 को भी और 185 को भी, मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो जो टोटल इनका एरिया आएगा उसको पूरे सर्कल के एरिया में से क्या करवा दूंगा? माइनस, तो सिर्फ वही एरिया बचेगा मेरे पास जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, तो आइए कर लेते हैं। तो मेरे पास एरिया ऑफ अ शेडेड पार्ट किसके इक्वल आना है, यानी ये जो रेड शेडेड पार्ट है जिसका एरिया मैंने फाइंड आउट करना था, इसका मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? एरिया ऑफ अ सर्कल, उसमें से माइनस करवा दूंगा जो एरिया नहीं चाहिए, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं इन दोनों एरियाज़ को ऐड करूँगा, यानी जो मैं नहीं चाहिए यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा और टोटल में से माइनस कर दूंगा, टोटल का मतलब टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल में से माइनस कर दूंगा, तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर रहा हूँ वो एरियाज़ जो मुझे नहीं चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल मैंने निकाला था सबसे पहले जो राउंड ऑफ करके मैंने निकाला था वो वाली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ 581 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने निकाला था 176, आपको पता है मैं भी निकाल चुका हूँ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाला था वो राउंड ऑफ करके 185।
ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके मैं टोटल में से माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 581 माइनस, तो आपको सबसे पहले 176 में ऐड करना पड़ेगा 185, जो कि आपके पास आएगा 361, ठीक है। तो अब आपको जस्ट 581 में से 361 को कर देना है माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाता है 220, और ये एरिया है और यहाँ पे सेंटीमीटर्स में चीज़ें गिवन थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फाइंड आउट करके दिखा दिया है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, वो है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है एरिया ऑफ अ सर्कल, इसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप इसको कंप्लीट लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, मेरे पास जगह कम है तो मैंने इसलिए इसको इस तरीके से लिख लिया है। तो ये मेरा पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एरिया मेरे पास आ चुका है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे टोटल एरिया मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद उनमें जो पार्ट्स थे, जो ट्राइंगल और रेक्टेंगल थे, उन दोनों के एरियाज अलग से निकाले, ऐड किए और टोटल में से माइनस करवा दिए हैं, तो ये मेरे पास बनता है एरिया ऑफ अ शेडेड पार्ट।